हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम इन ई पाठशाला चैनल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट का एक न्यूमेरिकल एस एस सी जी टू थाउजेंड सिक्सटीन में ट्वेंटी मार्क्स में पूछा गया है क्वेश्चन अ लेयर ऑफ सेंड सिक्स मीटर थिक लाइज एबाव अ लेयर ऑफ क्ले सॉइल वाटर टेबल इज एट अ डेप्थ ऑफ टू मीटर बिलो द ग्राउंड सर्फेस रेशियो ऑफ देंट लेयर इज पॉइंट सिक्स एंड द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ द देंड लेयर अबाउ वाटर टेबल इज फोर्टी परसेंट वॉइड रेशियो ऑफ द क्ले लेयर इज पॉइंट सेवन डिटरमाइन टोटल स्ट्रेस न्यूट्रल स्ट्रेस एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एट अ पॉइंट टेन मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस एज्यूम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सेंड एंड क्ले सॉइल एज टू पॉइंट सिक्स फाइव एंड टू पॉइंट सेवन ये क्वेश्चन इफेक्टिव स्ट्रेस टॉपिक से है और इस टॉपिक की थ्योरी हमने पढ़ ली आप आई बटन पे जो लिंक मिलेगी वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो वहाँ पर हमने इफेक्टिव स्ट्रेस को कम्प्लीट हमने उसका थ्योरी पार्ट कम्प्लीट कर लिया है वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन सॉइल की थी सॉइल जब सबमर्ज सॉइल हो सेचूरेटेड हो और मॉइस्ट सॉइल हो तो उनके लिए फार्मूले क्या होंगे टोटल स्ट्रेस न्यूट्रल और इफ़ेक्टिव स्ट्रेस के तो वो थ्योरी पार्ट आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको इजी लगेगा ठीक है अब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं एक एक सेंटेंस पढ़ते जाएंगे और डायग्राम बनाएंगे लेयर ऑफ सेंड सिक्स मीटर थिक लाइज अबाउ अ लेयर ऑफ क्ले साइल एक सेंड की लेयर है उसकी थिकनेस कितनी है सिक्स मीटर ये सेंड सेंड की थिकनेस सिक्स मीटर और किसके ऊपर है ये क्ले लेयर के ऊपर ये क्ले है ठीक है नेक्स्ट वाटर टेबल इज एट अ डेप्थ ऑफ टू मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस ये ग्राउंड ग्राउंड सरफेस ग्राउंड सरफेस से टू मीटर बिलो ये टू मीटर यहां पर वाटर टेबल है तो वाटर टेबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक ट्राइंगल से तो ट्राइंगल बना दिया द वाइट रेशियो ऑफ सेंट लेयर इज़ पॉइंट सिक्स सेंट का वाइट रेशियो कितना है पॉइंट सिक्स डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सेंट लेयर अबाउ वाटर टेबल इज़ फोर्टी परसेंट वाटर टेबल के ऊपर जो है डिग्री ऑफ सेचुरेशन वो है फोर्टी परसेंट और वाटर टेबल के नीचे आपको पता ही होगा वाटर टेबल इसका मतलब उसके नीचे की जो सॉइल है वो कंप्लीटली फील्ड किस किससे होंगे जो वर्ड्स वो वाटर से होंगे तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन यहाँ पर हो जाएगी हंड्रेड परसेंट वाटर टेबल के नीचे जो सॉइल होगी उसमें वर्ड्स में कंप्लीटली वो फिल होंगे वाटर से तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन हंड्रेड परसेंट दर्ड रेशियो ऑफ क्ले लेयर इज पॉइंट सेवन वर्ड रेशियो क्ले लेयर का है पॉइंट सेवन डिटरमाइन टोटल स्ट्रेस न्यूट्रल स्ट्रेस एंड इफेक्टिव स्ट्रेस तो हमने थ्योरी में पढ़ा था वहाँ पर फॉर्मूले भी देखे थे टोटल स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से न्यूट्रल स्ट्रेस या उसको पोर वाटर प्रेशर कहते हैं उसको रिप्रेजेंट करते स्मॉल यू से, और इफेक्टिव स्ट्रेस या इंटर ग्रेनुलर स्ट्रेस का जो रिप्रेजेंट करते वो होता है सिग्मा बार या सिग्मा डेस। एट अ पॉइंट टेन मीटर बिलो दी ग्राउंड सरफेस, ये हमें निकालना है टेन मीटर बिलो दी ग्राउंड सरफेस मतलब ये सिक्स मीटर तो सेंड लेयर है और इससे भी फोर मीटर और बिलो इस पॉइंट पे हमें निकालना है ये टोटल हो जाएगा टेन मीटर तो ग्राउंड सरफेस से टेन मीटर बिलो हमें टोटल स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस और न्यूट्रल स्ट्रेस निकालना है एज्यूम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड एंड क्ले सॉइल एज 2.65 पॉइंट सिक्स फाइव एंड टू पॉइंट की कितनी है स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 और क्ले की है 2.7। ये क्वेश्चन है फार्मूला यदि आपने वीडियो देखा होगा तो फार्मूला आपको पता है टोटल स्ट्रेस पोर वाटर प्रेशर और इफ़ेक्टिव स्ट्रेस इन तीनों फार्मूले में डेंसिटी आती है जो लेयर है सैंड लेयर क्ले लेयर जो भी लेयर होगी सॉइल की उसकी डेंसिटी हमें पता होना चाहिए तो यहाँ पर हमारे पास एक लेयर सैंड की है और एक क्ले की है ठीक है तो क्ले में तो वो फुली सेचूरेटेड है क्ले लेयर पूरी जो चार मीटर की है वो फुली सेचूरेटेड है तो इसके लिए एक डेंसिटी हम निकाल लेंगे डेंसिटी ऑफ क्ले या यूनिट वेट ऑफ क्ले और सेंड में हमें दो यूनिट वेट निकालना होगा एक डिग्री ऑफ सेचुरेशन हंड्रेड परसेंट है उसके लिए और एक डिग्री ऑफ सेचुरेशन फोर्टी परसेंट है उसके लिए तो पहले तो हम ये तीन यूनिट वेट निकालेंगे उसके बाद टोटल न्यूट्रल और इफेक्टिव स्ट्रेस हम निकालेंगे ठीक है तो पहले हम निकालते हैं क्ले लेयर के लिए सेचुरेटेड यूनिट वेट सेचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ क्ले ठीक है गामा सेचूरेटेड और क्ले के लिए इक्व टू फॉर्मूला क्या होगा जी प्लस ई डिवाइडेड बाय वन प्लस ई इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर ये फॉर्मूला होता है सेचुरेटेड यूनिट वेट का डिग्री ऑफ सेचुरेशन हंड्रेड परसेंट होगी जी कितना है क्ले का है टू पॉइंट सेवन वर्ड रेशियो क्ले का है पॉइंट सेवन वन प्लस पॉइंट सेवन और यूनिट वेट ऑफ वाटर हम एज्यूम कर लेंगे कितना नाइन पॉइंट एट वन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ये कितना होगा इसको कैलकुलेट करोगे तो ये होगा 19.62 पॉइंट सिक्स टू किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब यूनिट वेट ऑफ क्ले क्ले लेयर का हमने निकाल लिया यूनिट वेट कितना है 19.62 पॉइंट सिक्स टू किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब नेक्स्ट सेंड के लिए निकाल लेते हैं सेचूरेटेड यूनिट वेट सेचूरेटेड यूनिट वेट ऑफ सेंड गामा सेचूरेटेड सेंड इक्वस टू जी प्लस ई डिवाइडेड बाय वन प्लस ई इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर स्पेसिफिक ग्रेविटी सेंड की कितनी की है टू पॉइंट सिक्स फाइव प्लस वाइट रेशो है पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस पॉइंट सिक्स और यूनिट वेट ऑफ वाटर हमने एज्यूम किया है नाइन पॉइंट एट वन तो यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना होगा नाइनटीन पॉइंट नाइन थ्री किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब गामा सेचूरेटेड सेंड एक और यूनिट वेट हमें निकालना है बल्क यूनिट वेट होगा वो बल्क यूनिट वेट ऑफ सेंड एब वाटर टेबल वाटर टेबल के ऊपर जो सेंड है उसका यूनिट वेट वहां पर डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना है फोर्टी परसेंट है इसका मतलब वहां पर, पर वाटर भी है और एयर भी है तो उसको हम कहेंगे बल्क यूनिट वेट तो बल्क यूनिट वेट सेंड क्वस टू जी प्लस ई एस ये बेसिक फार्मूला है जी प्लस ई एस डिवाइडेड बाई वन प्लस ई इन यूनिट वेट ऑफ वाटर डिग्री ऑफ सेचुरेशन हंड्रेड परसेंट होगा तो ये सेचूरेटेड यूनिट वेट हो जाएगा डिग्री ऑफ सेचुरेशन जीरो परसेंट है तो ड्राई यूनिट वेट होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी सेंड की है टू पॉइंट सिक्स फाइव वाइट रेशियो पॉइंट सिक्स डिग्री ऑफ सेचुरेशन है चालीस परसेंट मतलब पॉइंट फोर हंड्रेड से डिवाइड कर देंगे वन प्लस जीरो पॉइंट सिक्स इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर है नाइन पॉइंट एट वन इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा सेवनटीन पॉइंट सेवन टू किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब बल्क यूनिट वेट ऑफ सेंड ठीक है तो तीनों हमने यूनिट वेट निकाल लिए तीनों लेयर के एक क्ले लेयर थी चार मीटर और सेंड की सिक्स मीटर की लेयर है उसमें से दो मीटर जो वाटर टेबल के ऊपर है उसका यूनिट वेट और जो चार मीटर वाटर टेबल के नीचे है सेंड की लेयर उसका यूनिट वेट अब हम निकालेंगे टोटल न्यूट्रल और इफेक्टिव स्ट्रेस ओके ये क्वेश्चन है इन लेयर के नाम दे देते हम ग्राउंड से स्टार्ट करते हैं लेयर ए ए वाटर टेबल्स पर जो है वो बी बी लेयर है ये लेयर सी सी और ये लेयर है डी डी ठीक है सभी लेयर पे हम निकालेंगे टोटल स्ट्रेस न्यूट्रल और इफ़ेक्टिव स्ट्रेस वैसे क्वेश्चन में आपको दस मीटर डेप्थ पे पूछा गया है ग्राउंड से दस मीटर मतलब ये जो लेयर है लास्ट वाली डी डी यहाँ पर आपको पूछा है लेकिन हम डायग्राम बनाएंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं जहाँ पर आपको इफेक्टिव स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाता है कि कैसे वो वेरी कर रही है वो भी हम देखेंगे यहाँ पर ठीक है तो स्टार्ट करते हैं एट लेवल ए ए ठीक है तो टोटल स्ट्रेस सिग्मा ए इक्वस टू कितना होगा यदि आपने थ्योरी देख ली है थ्योरी वाला वीडियो तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा ए ए ग्राउंड लेवल है उसके ऊपर कुछ भी नहीं है ठीक है कोई लोड नहीं है तो यहाँ पर जीरो होगा टोटल स्ट्रेस न्यूट्रल स्ट्रेस भी कितनी होगी जीरो होगी और इफ़ेक्टिव स्ट्रेस इसका फॉर्मूला होता है टोटल माइनस न्यूट्रल तो ये भी जीरो होगी ये तो सिंपल है लेवल नेक्स्ट है एट लेवल बी बी ठीक है नेक्स्ट लेवल बी बी है तो पहले हम टोटल स्ट्रेस निकाल लेते हैं टोटल स्ट्रेस एट लेवल बी इक्वल्स टू इस लेवल के ऊपर हम देखेंगे जो सॉइल है उसका यूनिट वेट इन टू उसकी डेप्थ, ठीक है डेप्थ कितनी है टू मीटर यूनिट वेट है सेवनटीन पॉइंट सेवन टू और डेप्थ है टू सिग्मा बी कितना होगा थर्टी फाइव पॉइंट फोर फोर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर न्यूट्रल स्ट्रेस एट लेवल बी बी अब इसके ऊपर हम देखेंगे वाटर है वाटर टेबल है क्या बी बी के ऊपर नहीं है ठीक है लेवल उसी लेवल पर है तो पोर वाटर प्रेशर हम कैसे निकालते हैं हम पिजोमीटर को पिजोमीटर ट्यूब को इंसर्ट करते हैं और वहाँ पर हम पिजियोमेट्रिक हेड देखते हैं तो यहाँ पर पिजोमेट्रिक हेड हमें जीरो मिलेगा यदि हम यहाँ पर पिजोमेट्रिक ट्यूब इंसर्ट करते हैं ठीक है लास्ट में जहाँ पर हमें निकालना है स्ट्रेस तो हमें यहाँ पर हेड मिलेगा यहाँ तक मिलेगा जहाँ तक वाटर टेबल है ये हो जाएगा एच डब्ल्यू पीजोमेट्रिक हेड ठीक है यहाँ पर वाटर ये वाटर होगा तो यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू पिजोमेट्रिक हेड तो यहाँ पर ज़ीरो होगा पीजोमेट्रिक हेड तो ये जीरो हो जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेस एट बी टोटल स्ट्रेस एट बी माइनस पोर वाटर प्रेशर तो टोटल स्ट्रेस कितनी है थर्टी फाइव पॉइंट फोर फोर माइनस ज़ीरो तो ये कितना हो जाएगा थर्टी फोर थर्टी फाइव पॉइंट फोर फोर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल सी सी लेवल सी सी पे हम देखते हैं एट लेवल सी सी एट लेवल सी 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 पे हम देख लेते हैं टोटल स्ट्रेस एट लेवल सी इस सी लेवल के ऊपर हम देखेंगे तो हमें दो लेयर मिलेगी सैंड की एक वह लेयर जो फुली सेचूरेटेड है और एक पार्सली सैचूरेटेड है तो सिग्मा सी टोटल स्ट्रेस एट लेवल सी सी अब इसके ऊपर देखेंगे तो एक तो चार मीटर की लेयर है ठीक है और उसका यूनिट वेट कितना है 19.93 प्लस उसके ऊपर एक दो मीटर की लेयर है और उसका यूनिट वेट कितना है 17.72 तो ये टोटल स्ट्रेस एट लेवल सी 115.16 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नेक्स्ट पोर वाटर प्रेशर एट लेवल सी अब इसके ऊपर हम देखेंगे सी सी लेवल के ऊपर वाटर टेबल की डेप्थ कितनी है चार मीटर इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर 9.81। ठीक है तो ये कितना हो जाएगा थर्टी नाइन पॉइंट टू फोर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इफेक्टिव स्ट्रेस एट लेवल सी टोटल स्ट्रेस माइनस फोर वाटर प्रेशर या न्यूट्रल प्रेशर वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन पॉइंट सिक्सटीन माइनस थर्टी नाइन पॉइंट टू फोर तो ये कितना होगा सेवेंटी फाइव पॉइंट नाइन टू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बहुत सिंपल क्वेश्चन है बीस नंबर में पूछा गया, गया है एस जे एग्ज़ाम में नेक्स्ट लेवल है डी डी पर हमें पूछा गया है ठीक है एग्ज़ाम में यदि ये क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन आता है तो आपको हर लेवल पे नहीं निकालना आपको जहाँ पर क्वेश्चन जिस लेवल पे पूछा गया है जैसे टेन मीटर बिलो पूछा गया तो डायरेक्ट आप वहीं पर निकाल सकते हो लेकिन मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि क्वेश्चन अब अगर ये रिपीट नहीं होता है और इस टाइप का क्वेश्चन आता है किसी भी लेवल में आपसे पूछते हैं या कोई डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लेते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन बताइए ठीक है तो वो आपको आना चाहिए जिस क्वेश्चन में दस मिनट भी नहीं लगेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा नेक्स्ट लेवल हम देखते हैं डी डी एट लेवल डी डी टोटल स्ट्रेस एट लेवल डी इक्वस टू डी के ऊपर देखेंगे तो पहले क्ले लेयर मिलेगी हमें जिसकी डेप्थ कितनी जिसकी थिकनेस है फोर मीटर इनटू यूनिट वेट ऑफ क्ले लेयर, नाइनटीन पॉइंट सिक्स टू फिर उसके ऊपर देखेंगे तो चार मीटर की सैंड लेयर है और उसका यूनिट वेट कितना है 19.93 पॉइंट नाइन थ्री प्लस दो मीटर की और अगेन हमें सैंड लेयर मिलेगी और उसका यूनिट वेट है 17.72 पॉइंट सेवन टू तो सिग्मा डी टोटल स्ट्रेस एट लेवल डी वन नाइन थ्री पॉइंट सिक्स फोर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नेक्स्ट पोर वाटर प्रेशर एट डी तो अगेन यहाँ पर हम पिजोमेट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करेंगे ठीक है तो पिजोमेट्रिक ट्यूब में हमें यहाँ तक मिलेगा हेड जहाँ तक वाटर टेबल है तो क्ले लेयर से यदि हम देखते हैं डी डी लेवल से तो पिजोमेट्रिक ट्यूब में हेड कितना मिल रहा है हमें फ़ोर प्लस फोर मतलब एट मीटर इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर नाइन पॉइंट एट वन तो ये कितना हो जाएगा सेवेंटी एट पॉइंट फोर एट किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब फोर मीटर ये हेड हो जाएगा और फोर मीटर ये हेड होगा यहाँ तक नेक्स्ट इफेक्टिव स्ट्रेस एट लेवल डी टोटल स्ट्रेस माइनस न्यूट्रल स्ट्रेस या पोर वाटर प्रेशर 193.64 माइनस सेवेंटी तो कितना हो जाएगा 115.16 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ठीक है तो क्वेश्चन में आपको पूछा था ये वैल्यू आपको पूछिए तो लास्ट में इसको आप हाईलाइट कर सकते हो या ब्रैकेट में आप क्लोज कर सकते हो एक आपको ये वाली वैल्यू पूछिए और नेक्स्ट ये ये तीन वैल्यू आपको क्वेश्चन में पूछी है टोटल स्ट्रेस न्यूट्रल स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस ठीक है तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं टोटल स्ट्रेस एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है क्वेश्चन टोटल स्ट्रेस सिग्मा एट लेवल डीडी या टेन मीटर बिलो टेन मीटर क्वस टू वन हंड्रेड एंड नाइन्टी थ्री पॉइंट सिक्स फोर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर न्यूट्रल स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी है ठीक है तो ये हमारा आंसर होगा अब यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं टोटल स्ट्रेस वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस का ये क्वेश्चन है वर्टिकल डायरेक्शन में वेरी कर रही है तीनों स्ट्रेस तो वर्टिकल हम बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन टोटल स्ट्रेस ए पर जीरो है ये ए पॉइंट ये बी ये सी और ये डी ये टू मीटर ये फोर मीटर और ये फोर मीटर टोटल कितना हो जाएगा दस मीटर बी पर देखेंगे टोटल स्ट्रेस कितनी है थर्टी फाइव पॉइंट फोर फोर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सी पर वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन पॉइंट सिक्सटीन किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर और डी पर है वन हंड्रेड एंड नाइन्टी थ्री पॉइंट सिक्स फोर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ठीक है अब किसी भी पॉइंट में निकालना है तो इससे हम निकाल सकते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन से टोटल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इसी टाइप से इफेक्टिव स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर का भी बना लेते हैं पोर वाटर प्रेशर ए पर जीरो है बी पर भी जीरो है ये सी और ये डी सी पर कितना है थर्टी नाइन पॉइंट टू फोर थर्टी नाइन पॉइंट टू फोर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डी पर है सेवेंटी एट पॉइंट फोर एट किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ठीक है तो ये डायग्राम बन जाएगा पोर वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी बी पर तो जीरो है ऐसा बनेगा पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर डायग्राम, पोर वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ठीक है नेक्स्ट में इफेक्टिव स्ट्रेस बना लेता हूँ आप चेक कर लेना ठीक है आप वीडियो को पोस्ट करके पहले बना लो इफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। उसके बाद चेक कर लेना इससे तो ये डायग्राम है इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम ठीक है तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।, गया है ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है यदि आपको कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट में पूछ सकते हो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक like कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके थैंक यू फॉर वॉचिंग